27 मार्च को एक महिला मंगला कामड़ी करके, जो नागभीड़ में रहने वाली महिला है, वो शेगांव में दर्शन के लिए गई थी। वो 27 तारीख को गणेशपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो रेलवे से उतरने के बाद ई रिक्शा से बस स्टैंड की तरफ आई थी। इसी दौरान वो जब घर पे गई तो उसको पता चला कि उसकी जो बैग है उसमें से पर्स गायब है। फिर उसने यहाँ पे आके कंप्लेंट दिया, उसका कंप्लेंट हमने दर्ज किया। उसके बाद हमारे डिटेक्शन के जो ऑफिसर्स और स्टाफ है उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक और उससे आगे 60 घंटे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया। तकरीबन 81 सीसीटीवी के कैमरे वो चेक किए। उसके बाद वो जो सस्पेक्टेड जो महिला थी, जो दो महिला थी, उनका फुटेज मिलना मिला हमको। उनके बारे में तहकीकात करते करते हम उन तक पहुँचे और हमने उनको अरेस्ट किया। उनको ये जो कंप्लेंट थी उसमें तकरीबन 129 ग्राम का सोने के जो जेवर थे वो जेवर चोरी हुए थे। हमने जो अरेस्ट किया है उनसे जो मूल स्वरूप में जो जेवर थे वो जेवर उनसे बरामद किए हैं। 107 ग्राम के जेवर बरामद किए हैं और उनका आगे का तफ्तीश चालू है। हमने दो आरोपी महिला आरोपियों को अरेस्ट किया है। इस पूरी कार्रवाई में हमने 107 ग्राम सोने के जेवर जो है वो बरामद किए हैं। इसकी कुल मिलाकर कीमत तकरीबन 6 साढ़े 5 से 6 लाख तक तकरीबन कीमत है उसकी, आज के जो इसका कीमत है उसकी। इस बारे में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन चालू था उस पर हमारे डीसी जोन के डीसी साहब बामरे सर जो है उनकी निगरानी थी। उन्होंने हमें बहुत सारे मार्गदर्शन किया, सीसीटीवी के बारे में बताया था। बाद में हमारे डिवीजन के एसीपी जो मैडम है अनिता मोरे मैडम, उन्होंने भी विजिट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था। और हमारे पुलिस स्टेशन का जो डिटेक्शन का स्टाफ है, हमारे क्राइम पिया है, PSI डोईफोड़े है, पंकज मानेकर है, पंकज बोराटे है, इन लोगों ने इसमें अच्छी कामगिरी की है। इनका पहला रिकॉर्ड तो कुछ नहीं है, हमने जो अभी तक तहकीकात की उसमें उनका रिकॉर्ड नहीं है। और हम तो इस केस में हमारे जो दो तीन टीम हमने बनाई थी उसमें हमारे डिटेक्शन के वैभव यादव, पवन मालखेड़े, दलित लोखंडे और हमारे लेडी कांस्टेबल भी कीर्ति श्रीवास, दिव्याश्री लाड़े, रूपलता, प्रियंका, इन्होंने भी इसमें बहुत सारी मदद की इन्वेस्टिगेशन में।